बेटकर, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। फ्रैंक बेटकर, भाग 4, अध्याय 24। इस इंटरव्यू ने मुझे सिखाया कि बड़े लोगों से मिलने जाने का अपना डर कैसे दूर करूं। किसी ने मुझसे कुछ समय पहले पूछा था कि क्या मुझे कभी डर लगा है। डर शब्द जरा कमज़ोर शब्द है, मैं तो आतंकित था। बहुत समय पहले जब मैं संघर्ष कर रहा था और जीवन बीमा बेचने की कोशिश करते हुए गरीबी का जीवन बिता रहा था, तब मैं आतंकित रहता था। धीरे धीरे मेरी समझ में आ गया कि अगर मैं और अधिक सफल होना चाहता हूँ तो मुझे बड़े लोगों से मिलना पड़ेगा और बड़ी पॉलिसी बेचनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में, मैं बुश लीग में खेल रहा था और अब मैं मेजर्स में अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। सबसे पहले मैं जिस बड़े आदमी से मिलने गया था वे थे फॉस ह्यूज कंपनी फिलाडेल्फिया, जो मार्केट स्ट्रीट में स्थित है, के प्रेसिडेंट आर के ई ह्यूज। अचानक मेरी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई और मैं आगे कुछ नहीं कह पाया, कांप रहा था। मिस्टर ह्यूज हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे। तभी अनजाने में ही मैंने एक समझदारी की बात की, एक छोटी सी समझदारी की बात जिसने इस इंटरव्यू को मूर्खतापूर्ण असफलता से सफलता में बदल दिया। मैंने हकलाते हुए कहा, मिस्टर ह्यूज, मैं आपसे मिलने की लंबे समय से कोशिश कर रहा हूँ और अब मैं जब यहाँ हूँ तो मैं इतना नर्वस और डरा हुआ हूँ कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। जब मैं यह बोल रहा था तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरा डर कम होने लगा है। मेरा चकराता हुआ सिर जल्दी ही साफ हो गया, मेरे हाथ और घुटने का कंपन बंद हो गया। मिस्टर ह्यूज अचानक मेरे दोस्त बन गए। स्पष्ट रूप से वे खुश हुए थे, इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति माना था। उनके चेहरे पर दयालुता का भाव आ गया और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अपना समय लो। जब मैं युवा था तब मैंने कई बार ऐसा ही अनुभव किया। बैठ जाओ और इसे आराम से लो। उन्होंने टैक्ट या व्यवहार कुशलता के साथ मुझे सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया। यह स्पष्ट था कि अगर मेरे पास कोई ऐसा विचार होता जो उनके काम आ सकता था तो वे निश्चित रूप से सेल करने में मेरी मदद करते। मैं मिस्टर ह्यूज को कुछ बेच नहीं पाया, परंतु मैंने कुछ ऐसा हासिल किया जो मेरे लिए उस सेल से हासिल होने वाले कमीशन से ज़्यादा मूल्यवान साबित हुआ। मैंने यह आसान नियम खोजा, यह रहा वह नियम, जब आप डरे हुए हों तो स्वीकार कर लें। मुझे यह लग रहा था कि महत्वपूर्ण लोगों के साथ बात करने में मेरे इस डर का कारण साहस की कमी थी। मैं इस पर शर्मिंदा था। मैंने इसे छुपाने का पूरा प्रयास किया, परंतु मैं अब जान चुका हूँ कि कई सफल लोग, जिनमें से कुछ तो सार्वजनिक प्रकरणों में प्रसिद्ध हैं, इन्हीं डरों से त्रस्त थे। उदाहरण के तौर पर 1937 के बसंत में न्यूयॉर्क के एम्पायर थिएटर में मुझे मारिस इवांस, जिन्हें कई आलोचक विश्व का महानतम शेक्सपियरियन एक्टर मानते हैं, कहने की बातें सुनकर आश्चर्य हुआ जब उन्होंने श्रोताओं के बड़े समूह के सामने यह स्वीकार किया कि वे नर्वस थे। श्रोता अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक थे। मैं वहाँ पर इसलिए मौजूद था क्योंकि मेरा बेटा लायल उस क्लास में था। मिस्टर इवांस उस अवसर पर मुख्य वक्ता थे। कुछ शब्द कहने के बाद वे अटकने लगे और स्पष्ट रूप असहज हो गए। फिर उन्होंने कहा, मैं आतंकित हूँ। मुझे यह एहसास नहीं था कि मुझे इतने अधिक और इतने महत्वपूर्ण श्रोताओं के सामने बोलना होगा। मैंने जो बातें कहने की योजना बनाई थी वह सारी बातें अब मेरे दिमाग से उड़ चुकी हैं। श्रोताओं ने मारे सीवास की इस स्वीकारोक्ति को पसंद किया। खुलकर यह स्वीकार करने से कि वे आतंकित थे, उन्होंने अपने बीच की दूरियों और तनाव को ख़त्म कर लिया। वे फिर से संतुलित हो गए और उन्होंने अपने दिल की बातें करते हुए अपनी बातों से युवा और वृद्ध सभी को रोमांचित कर दिया। युद्ध के दौरान मैंने एक अमेरिकी नेवल अडेल्फिया में बेलेव्यू स्ट्रेटफोर्ड होटल में एक बार बॉन्ड रैली लंच में बोलते हुए सुना। यह वही आदमी था जिसने अपने साहस और बहादुरी से सोलोमंस में नाम कमाया था। श्रोता आशा लगाए बैठे थे कि उन्हें रोमांचकपूर्ण और दिल दहला देने वाले अनुभव सुनने को मिलेंगे। जब वह उठा तो उसने अपनी जेब से कुछ कागज निकाले और जनता को निराश करते हुए अपने भाषण को पढ़ना शुरू कर दिया। वह बहुत ज़्यादा नर्वस था और वह अपनी नर्वसनेस को जनता से छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे कि उसे पढ़ने में भी दिक्कत आ रही थी। अचानक उसकी आवाज़ देना छोड़ दिया। फिर शर्मिंदगी और सच्ची विनम्रता के साथ उसने कहा, मुझे इस वक्त अपने श्रोताओं का सामना करने में जितना डर लग रहा है, उतना तो मुझे ग्वाडल कैनल में जेप्स का सामना करने में भी नहीं लगा था। इस सच्ची स्वीकारोक्ति के बाद उसने अपने नोट्स उठाकर एक तरफ रख दिए और वह विश्वास और उत्साह से बोलने लगा। वह 100 गुना अधिक रोमांच और प्रभावी बन गया था।
इस नेवल ऑफिसर ने वही सत्य जान लिया था जिसे मारी सीवांस ने जाना था, मैंने जाना था और हजारों दूसरे लोगों ने जाना है। जब भी आप किसी दिक्कत में हों और बुरी तरह डरे हुए हों तो इस बात को स्वीकार कर लें। जब भी आप बुरी स्थिति में हों और आप गलत हों तो 100% स्वीकार कर लें। मैंने इस विषय पर योर लाइफ मैगजीन में 1944 में एक लेख लिखा था। इसके प्रकाशित होने के कुछ समय बाद मैं पत्र पाकर रोमांचित हो गया, कहीं प्रशांत महासागर में सितंबर 11, 1944। प्रिय फ्रैंक पेटकर मैंने अभी सितंबर के अंक में योर लाइफ मैगजीन में छपा आपका लेख पढ़कर ख़त्म किया है। आपने अपने लेख का शीर्षक रखा है, जब आप डरे हुए हों तो स्वीकार कर लें, और मैं यह सोच रहा हूँ कि यह कितनी अच्छी सलाह है, खासकर युद्ध के मैदान में किसी सैनिक के लिए। स्वाभाविक रूप से मुझे उसी तरह के अनुभव हो चुके हैं जिनका वर्णन आपने किया है। हाई स्कूल और कॉलेज में सार्वजनिक भाषण, नौकरी हासिल करने के पहले और बाद में नियोक्ताओं के साथ मीटिंग, किसी खास महिला के साथ पहली गंभीर चर्चा, इन सब से मैं बुरी तरह डरा हूँ और बहुत बुरी तरह डरा हूँ। शायद आप हैरान होंगे कि मैं यहाँ से आपको यह सब लिखकर आपके विचारों का समर्थन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यह तो तय है कि न तो मैं सार्वजनिक रूप से भाषण दे रहा हूँ, न ही नौकरी खोज रहा हूँ। नहीं, मुझे उस दिशा में किसी तरह की मुश्किल नहीं आने वाली, परंतु विश्वास करें, मैं जानता हूँ कि डर क्या होता है और यह मनुष्य को किस तरह प्रभावित करता है, और हमने यह पाया है कि आपकी सलाह स्वीकार कर लें उतनी ही सही है और उचित है, चाहे आप किसी जैव आक्रमण का सामना कर रहे हों। बार बार यह साबित हो चुका है कि जो लोग अपने डर को स्वीकार नहीं करते, युद्ध में उन्हीं का मानसिक संतुलन गड़बड़ाता है। परंतु अगर आप स्वीकार कर लेते हैं कि आप डरे हुए हैं, पूरी तरह डरे हुए हैं, और आप इससे लड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर मामलों में आप अपने डर को जीतने के सही मार्ग पर हैं। और अब यह लेख लिखने के लिए आपको धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि वे विद्यार्थी और कर्मचारी सचमुच सौभाग्यशाली होंगे जो आपकी सलाह पर अमल करने का अवसर पाएंगे। आपका चार्ल थॉमसन, 1614383 कंपनी सी, 382 इन्फेंट्री US आर्मी, APO #96, द्वारा पोस्ट मास्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफ। युद्ध के मैदान से आने वाला यह पत्र निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर कामती गया होगा, परंतु इस अध्याय को पढ़ने वाले कई ऐसे लोग भी होंगे जो किसी आदमी के ऑफिस के अंदर घुसने का साहस बटोरने के लिए उसके ऑफिस के सामने बार बार इधर से उधर चक्कर लगाते होंगे। क्या आप उनमें से एक हैं? बड़े लोग, उनकी पत्नियां तो उनके सामने नहीं कांपती जब आप किसी को यह बताते हैं कि आपको उनके सामने डर लगता है, तो आप उस आदमी की बहुत बड़ी तारीफ कर रहे हैं। जब मैं पीछे पलट कर देखता हूं तो मुझे अनुभव होता है कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, कितनी बार मैं अवसरों का लाभ उठाने से असफल रहा, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण लोगों से बात करने में डरता था। आर्कियूज बात करना मेरे सेलिंग करियर में एक महत्वपूर्ण कदम था। उनसे मिलने जाने में मुझे डर लग रहा था, और जब मैं अंदर घुसा तो मैं आतंकित था। अगर मैंने यह स्वीकार नहीं किया होता कि मैं डर रहा था, तो मुझे वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाता। इस एक अनुभव ने उच्च आए हुए हैं समूह में पहुँचने में मेरी मदद की है। इसने मुझे बताया कि यह आदमी बड़ा आदमी होने के बावजूद दरअसल एक सीधा और मिलनसार आदमी था। दरअसल यह भी एक कारण था कि वह इतना बड़ा आदमी था। यह स्वीकार करने में कोई अपमान की बात नहीं कि आप डरे हुए हैं, परंतु यह स्वीकार न करने की कोशिश करने में अपमान का खतरा है। इसलिए चाहे आप एक आदमी से बात कर रहे हों या हजारों लोगों से, अगर डर का राक्षस, अगर सार्वजनिक जीवन का शत्रु नंबर एक अचानक आप पर हावी हो जाए, और अगर आपको लगे कि डर के कारण आपकी बोलती बंद हो गई है, तो आप इसे आसान नियम को याद रखें, जब आप डरे हुए हों तो स्वीकार कर लें। संक्षेप में, खंड 4, पॉकेट रिमाइंडर। नंबर 1, अगर आप किसी आदमी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अब्राहम लिंकन ने कहा था, तो पहले उसे यह विश्वास दिलाएं कि आप उसके सच्चे मित्र हैं। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि आपका हर जगह स्वागत हो, तो आप हर मिलने वाले को एक मुस्कुराहट दें जो अच्छी हो, सच्ची हो और दिल से आ रही हो। नंबर 3, आपको नाम और चेहरे याद रखने में कम मुश्किल आएगी अगर आप यह 3 बातें याद रखें। नंबर 1, इम्प्रेशन, उसके नाम और चेहरे की स्पष्ट छवि अंकित कर लें। नंबर 2, रिपीटिशन, उसके नाम को समय समय पर दोहराते रहें। नंबर 3,
एसोसिएशन उसके नाम को किसी एक्शन पिक्चर से जोड़ दें, यदि संभव हो तो उसके बिजनेस को भी शामिल कर लें। नंबर 4, संक्षिप्त रहें। सेल्समैन बहुत ज़्यादा तो नहीं जान सकता, परंतु वह बहुत ज़्यादा बोल सकता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइस प्रेसिडेंट हैरी अर्लिकर ने कहा था, परचेजिंग एजेंट्स की हाल में हुई एक मीटिंग में हमने एक वोट करवाया ताकि हम यह पता लगा सकें कि वह सबसे बड़ा क्या कारण था जिस वजह से सेल्समैन बिजनेस गंवाते हैं। एक के मुकाबले तीन के महत्वपूर्ण अंतर से यह फैसला हुआ कि सेल्समैन बहुत ज़्यादा बोलते हैं। नंबर 5, अगर आपको बड़े लोगों से मिलने जाने में डर लगता है तो आप इस डर को अपने फ़ायदे में बदल सकते हैं। आप उस आदमी से मिलने जाएं जिससे मिलने में आपको डर लगता है और उसके सामने स्वीकार कर लें कि आप डरे हुए हैं। जब आप किसी को यह बताते हैं कि आपकी उपस्थिति में डरते हैं तो आप उसकी बहुत बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई विचार है जिसका आप वह उपयोग कर सकता है तो वह निश्चित रूप से सेल करने में आपकी मदद करेगा। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याय 25 की तरफ।